नमस्कार। कंगना रनौत हमेशा कुछ ऐसा कर बैठती है कि विवादों में फंस जाती है। वो अपने किसी न किसी बयान के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ ही जाती है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। कंगना अब देश को भीख में मिली आजादी वाले अपने बयान को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस बयान की वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कई जानी मानी हस्तियां कंगना को उनके विवादित बयान की वजह से खरी खोटी सुना चुकी है। अब गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना पर निशाना साधते हुए तंज कसा। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में कंगना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ट्वीट से साफ लग रहा है कि उनका इशारा कंगना की तरफ ही है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, ये पूरी तरह से समझ में आता है, क्योंकि जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना था ही नहीं, अगर कुछ लोग देश की आजादी को सिर्फ एक भीख बता रहे हैं तो उन्हें बुरा क्यों लग रहा है। जावेद अख्तर के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें क्यों देश की आजादी को भीख बताने में बुरा लगेगा। यानी जावेद ये कहना चाह रहे हैं कि कंगना का देश की आजादी से कोई लेना देना ही नहीं था, तो वो इसे भीख ही बताएंगी। कहना गलत नहीं होगा कि बिना कंगना का नाम लिए जावेद अख्तर ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। बता दें, कंगना ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान साल 1947 में मिली आजादी को भीख बताया था और कहा था कि जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। उनके इस बयान का कई राजनेताओं ने विरोध किया था। इतना ही नहीं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज करने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में कंगना को मिले पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने की भी मांग जोरों पर की जा रही है। बता दें, जावेद अख्तर और कंगना रनौत कानूनी लड़ाई को लेकर लंबे समय से चर्चा में है। जावेद ने पिछले साल नवंबर में मुंबई की एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कंगना ने इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया था। वैसे जावेद अख्तर के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।